गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिल्ली. राइट नाउ आई एम एट माय कजन्स एंड वी आर एंजॉयिंग. की है भाई छोले भटूरे. सो राइट नाउ इट्स 10 इन द मॉर्निंग एंड वी विल बी लीविंग फॉर वाराणसी. तो जल्दी जल्दी नाश्ता कर ले, निकल रहे हैं. तो अभी तक दिल्ली में हो गाइस और अभी टाइम फुल करा ले रहा हूँ. लेट हो गया तो अभी 1 बज रहा है गया. हाँ जीरो देख. तो आज का हॉल्ट ऐसा है, सोच रहे कि रात में हम वाराणसी में रुक जाएंगे और फिर कल सवेरे निकलेंगे. बट जैसे एक्सप्रेस में भी हो सकता है जमशेदपुर. बट वैसे अब घर वापस जा रहे तो लग रहा है कि मतलब थोड़ा मन यू नो टूट गया है. तो ठीक है, ट्रिप ओवर हो रही, थोड़ा डाउन फील होता ही है, फिर निकलेंगे ट्रिप में. सो सॉरी गाइस, कल हम दिल्ली में, थोड़ा दिल्ली घूम रहे थे और वहाँ का स्ट्रीट फूड टेस्ट किया, इट्स ऑसम. बट व्लॉग बना नहीं पाया, कैमरे की बैटरी भी डाउन हो गई थी और थोड़ा अपना भी लो फील हो रहा था बिकॉज इतना ड्राइव करके आया था रात में, तो व्लॉग नहीं बना पाया. सो सॉरी, बट यू कैन सी माई स्टोरी एंड पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, सो डू फॉलो मी देयर ऑन इंस्टाग्राम. तो आपको दिल्ली के स्ट्रीट फूड दिखेंगे और कल रात पार्टी हुई है, वो तो अभी आप देख पाएंगे. बाकी अभी तो ट्रैफिक में फंसे हैं, गाड़ी बहुत धीरे धीरे जा रही है. राइट नाउ आई एम हियर इन यमुना एक्सप्रेसवे और अभी एक छोटा सा हॉल्ट लिया है कुछ खाने के लिए. सो कुछ क्या खाएंगे, हम खाएंगे आज डोमिनोज पिज़्ज़ा है. और राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट 5 इन द इवनिंग, 4:49 और वी आर समवेयर इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ आगरा. मतलब आगरा यहाँ से सिटी आने ही वाली है बेसिकली. हमें दिल्ली सिटी में बहुत लेट लगी, ऑल दो दिल्ली मुझे बहुत अच्छा लगा. पार्टी करने और दिल्ली आई है साउथ दिल्ली. स्वादी बोल गया तेरा रे टेस्ट. बाय द वे आई एम हैविंग तंदूरी पनीर और ये थोड़ा मेरा बेड में लग गया, देख तो. सो इट्स रियली यम. पता गया स्कूल ट्रिप में सोच रहा था मैं क्या मिस किया, अब सोच अब पता चल रहा है. और वो भी बाई लक मैं यमुना एक्सप्रेस वे पे आया और यहाँ साइड में हॉल्ट लेने के लिए रुका, नहीं तो छूट ही जाता है. मैं सोच ही रहा था क्या मिस कर रहा हूँ, अब समझ में आ गया. मेरा फेवरेट है इंडी तंदूरी पनीर. आप कमेंट में ज़रूर बताइए आपका फेवरेट क्या है. गाइस वेट, फिर से थोड़ी देर के लिए बढ़ चुका है. अब देखें इवनिंग में खाएंगे या नाइट में. एंड नाइट की बात करूँ तो मुझे लग नहीं रहा कि आज वाराणसी तक हम पहुँच पाएंगे. लग रहा है वी विल बी समवेयर इन लखनऊ. सो बेटर यही होगा कि हम लखनऊ में रुक जाए. नाइट को ड्राइव कर कोई मतलब नहीं है क्योंकि फिर से हम, क्योंकि बेसिकली हम टाटा नगर कल भी नहीं पहुंच पाएंगे तो, या जमशेदपुर हम कल भी नहीं पहुंच पाएंगे. तो यही सही रहेगा कि हम लखनऊ में एक दिन का ब्रेक ले लें, एक दिन मतलब एक नाइट का ब्रेक ले लें और फिर चलेंगे. तो उसके हिसाब से डे आफ्टर टुमारो वी विल बी एट होम. सो एनीवेज आप होगा फुल टाइट, गड्डी भी आएगी फुल टाइट. फ्यूल पहले करा लिया सी, बस गंदी है कि बेचारी की करिए, जाके चुवाऊंगे इन्हें भी. ओके लेट्स गो. पिज़्ज़ा हो गया
एंड साइड में मैंने देखा है एक चाय के लिए ही डेडिकेटेड शॉप है, चाय ठेला, इफ यू कैन सी चाय ठेला। हाँ, सो अभी मैंने अदरक वाली चाय ऑर्डर की है, आरिफ पे ब्रांडिंग है चाय ठेला की। ये अदरक वाली चाय को देखते हैं, रुक जा, अदरक वाली चाय को देखते हैं टेस्ट करके। इट्स गुड, अच्छी चाय है, मतलब एटलीस्ट पानी वाली चाय नहीं है, सो इट्स अ गुड बूम। और अभी तो गाड़ी एक्सप्रेस वे पर चलती रहेगी तो नींद आएगी, तो अच्छा हुआ चाय ले लिया अपने, थोड़ी चाय पी लेने गए, मिलते फिर घर में बात। सो यार गाइस, इट्स 1:30 इन द नाइट और अभी हमें होटल मिला है, एक्चुअली बुक भी नहीं था, हम अभी लखनऊ में, तो चले वाराणसी तक कर लेंगे, बट नहीं कर पाए, लखनऊ में है और अभी होटल मिल गया, डिनर ऑर्डर किया, डिनर भी आ जाएगा थोड़ी देर में। किस साइड है भाई रूम, रूम किस साइड है भाई रूम, थोड़ी देर में डिनर भी आ जाएगा, उससे पहले आपको रूम शो कर दूँ। द ट्रिप इज़ रियली हेक्टिक, एक्सप्रेस वे में तो बोर हो जाते हैं यार, क्या ही बोलो। एंड दिस इज़ द रूम, ऑलवेज गुड फॉर नाइट स्टे। फ्रेश भी हो चुके हैं और डिनर भी आ चुका है, और डिनर में हमारे पास है दाल फ्राई, एग भुर्जी, रोटी, अरे राइस भी बोले है ना, राइस नहीं लाया, कॉल करता हूँ, राइस भी आ गए। सो अभी खाएंगे और दबा के सो जाएंगे और फिर सुबह उठ के फिर, क्योंकि कल दबा के गाड़ी चलानी है आई गेस, यहाँ से 20 आई गेस, यहाँ से आई गेस यहाँ से जमशेदपुर वही 20 आवर्स दिखा रहे हैं, बट 24 आवर्स हो जाएंगे, तो 24 आवर्स ही हो जाएंगे। सो Tomorrow is also going to be a hectic day. So आज सोना अच्छे से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, फेस से आप समझ ही सकते हैं कि थक चुका हूँ, सो सोते हैं एंड ओके गुड नाइट गाइज। सो हे गाइज, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम लखनऊ, एंड तू क्या कर रहे हैं बंदे, चल तैयार हो जा, ये बंदा तैयार नहीं हो रहा सारा थी इधर, चख ले जाएगा सामान, चख लिया नहीं रख ले जाएगा। बट बिफोर लिविंग फॉर होम, आज हम लखनऊ में कुछ स्पेशल ट्राई करेंगे। नीचे रिसेप्शन ने पूछता है कि यहाँ पे क्या स्पेशल मिलता है, मतलब एक दो आइटम फूड आइटम्स मुझे पता है, बट पूछेंगे स्पेसिफिकली कहाँ अच्छे मिलते हैं। गलौटी कबाब, सो ही इज सेइंग वन ऑफ द फूड आइटम्स गलौटी कबाब, एंड आई हैव रारा मटन रारा एंड इदरीस बिरयानी, बट देखते हैं इसमें से क्या हमें मिलता है और कहाँ अच्छा मिलता है वो पूछ के। Let's leave for home. Ready to go. Nah, nah. Right now I'm here in Aminabad, Lucknow. और mask on. देख सकते हैं आप रोड कितनी नैरो है यहाँ पे, और आगे तो और भी नैरो है और ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है, जिसके कारण रोड साइड तो ये कार पार्क नहीं कर पाए, अभी एक पेड़ पार्किंग पार करके आए हैं कार को। और यहाँ के लोकल्स ने बताया कि यहाँ से थोड़ी ही दूर वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 500 मीटर अप्रॉक्स, जो प्लेस है उसका नाम भी है टुंडे कबाब, और वहीं पे मिलेंगे भी टुंडे कबाब और इदरीस बिरयानी। सो लेट्स सी,
Yeah. Are we talking about losing control? I'm gonna show you how we lose control, baby. Watch this. Look, look, Marty Mar. Watch the way I start up. I've been going hard, but I can go way harder. Every beat I'm on, yeah, you know that I slaughter. And I'm always looking gorgeous, chilling with somebody's daughter. Yeah, she loving me. Say she love the way my chain sitting contemplate. And of course it says my name if you run away. To let you know who's finna blow. Always winning, check the scope. I'm only losing control. As you have seen in cinematic shots, कि यहाँ पर सब सेलिब्रिटीज़ भी आए हैं. मैंने तो फोटो देखी नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, सलमान खान. सो इट्स क्वाइट अ फेमस प्लेस एंड लुक एट द फिश. एम्बियंस भी बहुत अच्छा है यहाँ का. सो यू मस्ट विजिट अमीनाबाद मार्केट टुंडे कबाबी. द शॉप नेम इज़ टुंडे कबाबी एंड वी हैव ऑर्डर टुंडे कबाब एंड व्हाट्स दैट मुगलाई पराठा एंड मटन बिरयानी. टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसा है. एज यू कैन सी गाइस, टुंडे कबाब इज हियर एंड दिस इज मुगलाई पराठा. और तब टेस्ट करके बताते हैं किधर आया. सेंट इज सो ऑसम, यू नो. बोलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इसका. एंड द अरोमा जो सेंट है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. और बिरयानी अभी आ रही है, उसे भी टेस्ट करके बताते हैं. बट आप कभी आइए वंस इन अ लाइफ टाइम, ये वाला टेस्ट आपको करना जरूरी है एकदम. एंड हियर गाइस, और एक पराठा लिया टुंडे कबाबी है. बट बिफोर दैट बिरयानी आ चुकी है, तो बिरयानी का भी रिव्यू बनता है. एंड बिरयानी इतनी गर्म, सो लेट्स ईट इट. सो सॉफ्ट गरम एंड बिरयानी तो हाथ से खाने का मज़ा आता है. सो लिटिल सॉल्ट इज लो, बट हम ज़्यादा सॉल्ट खाते हैं. बट द फ्लेश इज सो सॉफ्ट एंड द टेस्ट इज अगेन ऑसम. जल्दी दिखान दो यार. पेट पूजा हो गई है एंड राइट नाउ वी आर लीविंग फॉर झारखंड. और अभी टाइम हो रहा है आई गेस 12 इन द मॉर्निंग. एंड यहाँ से टोटल दिखा रहे हैं 838 किलोमीटर. सो आई एम वंडरिंग कि हम लेट नाइट पहुँचेंगे या कल एकदम सुबह सुबह पहुँचेंगे. सो पहले यहाँ से निकलते हैं लखनऊ से. मुस्कुराइए आप लखनऊ में, मतलब हम लखनऊ में, और आप मुस्कुराइए ब्लॉग देख के. और अब जब भी लखनऊ है एक बार टुंडे कबाबी खाने ज़रूर है एंड बिरयानी बहुत अच्छी है. सो आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग वे आई एम हेयर इन प्रयागराज. और अभी हम एक छोटे से हॉल्ट में रुके हैं टू ईट समथिंग गुड फूड. एट फर्स्ट आई एम हैविंग अ गुड टी. इट्स अ रियली गुड लोकेशन कि अपनी थार के पास बैठ पा रहा हूँ मैं. एंड अभी कुछ फूड ऑर्डर किया आपको थोड़ी देर में दिखा दूँगा. और राइट नाउ वी आर आई गेस 650 kilometers from our home and we are having a good time. फिर आपका गड्डी चक ले है इधर से यूपी तो बाहर नहीं निकले. पर ट्राई पूरी हो रही है यूपी तो बाहर निकलने. तो की करो भाजी, यूपी का साइज छोटा कर दिया. लगता था आएगा छोटा करना पड़ा. करना पड़ेगा. ठीक है, मिलते गाइस थोड़ी देर बाद. गाइस नाउ आई स्टॉप्ड फॉर डिनर समवेयर इन आउटस्कर्ट्स ऑफ बिहार, मतलब जस्ट बिहार बॉर्डर इन किए हैं. और समवेयर इन सासाराम, प्लेस है सासाराम उसके आउटस्कर्ट्स में. इसके बाद बोधगया आएगा उसके बॉर्डर होते हुए, फिर हम झारखंड बॉर्डर में इंटर कर जाएंगे हजारीबाग पर. एंड राइट नाउ आई एम हैविंग, एक बार बोलना चाहूँगा कि मतलब यूपी के बाद आपको उसमें यहाँ पे अच्छे ढाबे नहीं मिलेंगे.
सो अगर आप कर रहे हैं ट्रैवल तो आप यूपी में ही रात का डिनर कर ले अगर लेट नाइट हो चुकी है। इधर का आपको दिखा दे रहा हूँ भोजन का हाल, ये मैंने निकाला था कि तड़का रोटी करने के लिए अंडा तड़का एक तड़का और मैंने पूरा मील लगा दिया, वो समझ में नहीं आ रहा है बट काम चला लेंगे खा लेंगे। कम से कम बोले जग वाला पानी का टाइम मिनरल वाटर दे दिया, कोरोना का टाइम चल रहा है उतना ही बाहर का पानी नहीं पीना चाहिए। सो खाना खाते हैं फिर निकल जाते हैं, कल सुबह तक पहुँचेंगे अपने डेस्टिनेशन पे। सो सॉरी गाइस आई एम पुटिंग दिस व्लॉग सो लेट, और अभी एडिट करते वक्त मैंने देखा कि मैंने इसका लास्ट वाला पार्ट शूट ही नहीं किया था, सो अभी मैं कर रहा हूँ। सो होप सो यू गाइस लाइक माय होल मनाली ट्रिप, सो थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पर मैं अपने रेगुलर अपडेट्स करते रहता हूँ अबाउट माई डाइट्स एंड जी रिलेटेड क्वेरीज, और मैं भी कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ सब उसमें पोस्ट करते रहता हूँ इंस्टाग्राम पे अपने, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। टिल देन स्टे सेफ, घर पे रहें, कोविड का टाइम चल रहा है, अच्छा खाएं, बॉडी बनाएं और इम्यूनिटी बढ़ाएं। ओके बाय।